नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का एक 25 वॉट वाला टाइप सी चार्जर। क्योंकि दोस्तों इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने सैमसंग के S21 अल्ट्रा की, तो जिसके जिसके साथ दोस्तों चार्जर नहीं आया था, तो उसके लिए मैंने ये चार्जर परचेस किया है 25 वॉट वाला। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। आपको ओरिजिनल चीज़ बताने के चक्कर में लोकल चीज़ दे दी जा रही है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि जब भी दोस्तों आप चार्जर लेने जाओ तो आपको बॉक्स किस तरह का मिलेगा ओरिजिनल वाला, और इसकी प्राइस क्या है, और चार्जर किस तरह का निकलेगा। तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा इस चार्जर की, और आपको दिखाऊँगा कि अगर आप कोई चार्जर लेने जा रहे हो सैमसंग का, तो आपको बॉक्स किस तरह का देखने को मिलता है और अंदर आपको क्या क्या कॉन्टेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेरे पास सैमसंग का 25 वॉट वाला USB टाइप सी चार्जर। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको चार्जर लेना है तो ओरिजिनल चार्जर किस तरीके से आता है, कैसा बॉक्स मिलता है, जिससे दोस्तों आपको एक लोकल और नकली चार्जर लेने से आप बच सको। दोस्तों देखिए इस तरह का चार्जर होता है, बॉक्स इसका होता है। और यहाँ दोस्तों आपको डबल जिस सीर होती है, जो जो डबल मिलती है, एक ऊपर मिलती है, देखिए एक मिलती है नीचे। तो दोस्तों मैंने वो नीचे की ओपन कर दी है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था। बट दोस्तों इस तरीके का मिलता है, आप देखिए जैसा कुछ इस पर मेंशन लिखा हुआ होता है। इसकी वारंटी की बात करूँ तो सर्विस सेंटर से दोस्तों इसकी वारंटी मिलती है 6 मंथ की। तो आप कहीं से ही परचेस कर लो, और किसी भी सिटी में यहाँ सर्विस सेंटर हो सैमसंग का, वहाँ से आप इसको सर्विस ले सकते हो अगर आपकी इस चार्जरों की दिक्कत आती है। तो मेड इन इंडिया का दोस्तों इस पर लोगो बना हुआ है, और आगे दोस्तों देखिए 25 वॉट एडेप्टर लगा हुआ है USB-C वाला। चलिए ओपन करता हूँ मैं। तो आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का दोस्तों बॉक्स के अंदर निकलता है। हाँ जी दोस्तों, 25 वॉट का सुपर सैमसंग का फास्ट चार्जर, 25 वॉट वाला, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर फास्ट चार्जिंग। और जी है दोस्तों सैमसंग की टाइप सी वाला पोर्ट। तो यही सब कुछ होता है दोस्तों इसके अंदर। और जब दोस्तों अगर आप कोई चार्जर लेने जाओ सैमसंग का, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका बिल ज़रूर बनवाना है, क्योंकि बिना बिल के अगर आपको कोई चार्जर दे रहा है, बोल रहा है कि अगर बिना बिल के लोगे तो सस्ता दे दूंगा, तो दोस्तों समझ लीजिए वो एक लोकल चार्जर है। तो आप इस धोखाधड़ी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आपको एक बिल लेना है GST वाला, तभी ये चार्जर परचेस करना है। और आप बॉक्स तो दे ही चुके हो, इस तरीके का बॉक्स आएगा, और इस तरीके दोस्तों अंदर एक बॉक्स निकलता है। बाकी इसके अंदर कोई बुक वगैरह नहीं निकलती, तो आपको लगे कि बुक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए निकलता नहीं है। तो ये चार्जर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर वाला बॉक्स कैसा होता है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों जे मैंने लिया है सिर्फ 1200 रुपये का अपनी मार्केट से GST बिल के साथ। अगर कोई भी बंदा आपसे बोलता है कि आप बिना बिल के ले लो, जे आपको मैं कम में दे दूंगा, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि जो भी आपको बिना बिल के चार्जर कोई बंदा देगा, तो दोस्तों वो समझ लो एक लोकल चार्जर है, क्योंकि ये जो चार्जर होते हैं जो बिना बिल के आते ही नहीं हैं। तो आपको ये चार्जर जब लेना है तो इसका बिल बनवाना है। इसकी वारंटी 6 मंथ की होती है सर्विस सेंटर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।